क्रिकेट में एक बार फिर से कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। बीते दिन मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब MCC ने कुछ जरूरी नियमों को अपडेट किया है। ये सभी बदले हुए रूल्स 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे। जो नियम बदले गए हैं उसमें बॉल पर थूक लगाने से कैच लेना शामिल है। आइए बताते हैं आपको क्या क्या नियमों में बदलाव हुआ है। ये नियम इसलिए भी लाए गए हैं क्योंकि अभी तक कुछ रूल्स क्लियर नहीं थे, अभी बहुत हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कैच की। नियम ये बदल गया है कि जब भी कोई बल्लेबाज कैच आउट हुआ तो जब नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा वही बल्लेबाजी करेगा। अभी तक ये रूल था कि एंड चेंज होते ही बल्लेबाज आउट हो जाता था। कोई जानवर या व्यक्ति मैदान में एंट्री करता है तो उस बॉल को अपडेट बॉल घोषित कर दिया जाएगा। अभी तक खेल को रोक दिया जाता था। अगला नियम फील्डिंग से जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी फील्डर बॉल फेंकते समय अपनी पोजीशन चेंज करता है तो फील्डिंग टीम पर अब 5 रन की पेनाल्टी लगा दी जाएगी। अभी तक बॉल को डेड करने का ही नियम था। सबसे जरूरी नियम ये कि बॉल को चमकाने के लिए अब थूक नहीं लगाया जाएगा। अभी कोरोना के समय पर ही नियम पर रोक थी, पर अब इसे हमेशा के लिए बना दिया है। सिर्फ पसीने का ही फील्डर गेंदबाज इस्तेमाल कर सकता है। अगला नियम यह है कि बॉल अगर पिच से बाहर गिरती है, बल्लेबाज उस पर शॉट लगाने जाता है, तो उसके बल्ले शरीर का कुछ हिस्सा पिच के अंदर रहना चाहिए, नहीं तो एम्पायर इसे डेड बॉल घोषित कर सकता है। वाइट बॉल के लिए भी नियम में बदलाव हुआ है। बदलाव यह है कि अगर कोई बल्लेबाज स्टंप की लाइन से हटकर शॉट खेलता है तो बॉल को वाइट करार नहीं दिया जाएगा। इन नियमों में बदलाव हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव क्रिकेट में एक नया रोमांच पैदा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।